बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में कि आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपको कौन से डेप्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और डेप्ट म्यूचुअल फंड आपको किस प्रकार चुनना चाहिए और उससे आप कैसे 15% तक का रिटर्न कमा सकते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड से। दोस्तों डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है कि हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि जो आदमी 2019 ईस्वी में 2020 की शुरुआत में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे, मतलब स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे, अभी उनका पोर्टफोलियो 20% 30% नेगेटिव में होगा, तो वहीं स्मॉल कैप में जो इन्वेस्ट किए होंगे 50% भी नेगेटिव में हो सकता है। लेकिन डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है, इसमें कम रिस्क होता है तो इसमें रिटर्न भी कम मिलता है, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसमें आपको 25% 30% में मिल सकता है, लेकिन डेप्ट म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम आपको 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। कैसे आप 15% तक का रिटर्न आप डेप्ट म्यूचुअल फंड से कमा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से बताने के साथ उस फंड के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने कि डेप्ट म्यूचुअल फंड में रहते हुए 15% तक का रिटर्न दिया है, मतलब वो डेप्ट म्यूचुअल फंड जो 15% तक का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो चैनल पर जाइए, इन सारे वीडियोज को देखिए और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेप्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है। डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है कि वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो हमारा बॉन्ड में, डिवेंचर में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, कॉमर्शियल पेपर में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो मनी मार्केट में हमारा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड को हम डेप्ट म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड में हमारा जो है एक फिक्स रिटर्न होता है और रिस्क बहुत ही कम होता है। ये रिस्क फ्री तो नहीं होता, लेकिन लो रिस्क वाले फंड होते हैं ये सारे जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा होता है तो वहां पर आपको रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड के जो डिफरेंट कैटेगरीज है, कि डेप्ट म्यूचुअल फंड जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर होता है, ट्रेजरी बिल होता है, तो इन सारे के को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो उसके आधार पर हमारा जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होता है, जैसे लिक्विड फंड हो गया, गिल्ट फंड हो गया, एफएमपी हो गया, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, मंथली इनकम प्लान, एसटीपी शॉर्ट टर्म प्लान, तो ये सारे टाइप्स हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड के। तो इन सारे टाइप्स को हम जानेंगे, फिर इन टाइप्स में कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा है, किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहले लिक्विड फंड। लिक्विड फंड होता है कि वैसे डेप्ट म्यूचुअल फंड जो कि हमारा इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, इसमें जो इन्वेस्ट करता है उसे हम लिक्विड फंड बोलते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम लिक्विड फंड बोलते हैं, और उसके बाद जो मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए होता है हमारा जो म्यूचुअल फंड उसे हम गिल्ट फंड बोलते हैं। मतलब गिल्ट फंड जो होता है हमारा वो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये होता है मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए गिल्ड फंड। उसके बाद फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो ये जो फंड होता है कि मतलब ये फंड जिस समय ओपन हुआ आप उसी समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये फंड में इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। जब ये आपको स्टॉक मार्केट में मतलब लिस्ट हो जाता है वहां से आप बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप इन तभी कर सकते हैं जिस समय ये हमारा NFO होता है, न्यू फंड ऑफर के टाइम में ही इसमें सिर्फ इन्वेस्ट किया जा सकता है, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए होता है। जब मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होगा तो इसमें जो भी मतलब आपका रिटर्न होगा उसके साथ आपका अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद मंथली इनकम प्लान, तो बहुत सारे मंथली इनकम प्लान, जैसे डिविडेंड मंथली इनकम प्लान होता है, वीकली डिविडेंड मंथली इनकम प्लान होता है, तो बहुत सारे फंड होते हैं इसमें जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटर्न के रूप में आप मंथली डिविडेंड के रूप में पा सकते हैं, मतलब जो आपका रिटर्न होगा वो डिविडेंड के रूप में पा सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म प्लान होता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप एक सप्ताह के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के फंड होते हैं, मतलब इसमें ओपन एंडेड होता है, जब चाहे आप
आप इंटर कर सकते हैं, जब चाहे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म प्लान। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान हो गए। तो इस सारे चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे। सारे जो म्यूचुअल फंड है हम आपको जीरोधा के क्वाइन ऐप पर ले जाएंगे, वहाँ पर सर्च करना आसान है इस सारे टाइप के फंड को। और कहीं पर आप सर्च करते करते बहुत आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत खोजना पड़ेगा, लेकिन जीरोधा के क्वाइन पर आप आसानी से इन सारे म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं, खोज सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ग्रो ऐप पे भी आप आसानी से खोज सकते हैं, लेकिन क्वाइन ज़्यादा अच्छा है उस पर फंड को खोजना, इन्वेस्ट करने का आप जहाँ चाहें वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसी पे हमारा जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हो गया लिक्विड फंड, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए गिल्ड फंड, उसके बाद फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के लिए FMP, मंथली प्लान के लिए MIP और शॉर्ट टर्म प्लान के लिए STP। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, डायनामिक फंड होते हैं, कई तरह के फंड होते हैं जो कि आपको हम दिखाएंगे। गिल्ड फंड जैसे हो गया, तो गिल्ड फंड 10 ईयर्स के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे फंड होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको जो लिक्विड फंड और गिल्ड फंड, डेप्ट फंड में जो पॉपुलर दो टाइप के फंड है उसके बारे में बता देते हैं। जैसे लिक्विड फंड में आप महिंद्रा मनुलाइफ लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दूसरा है IDBI लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो लिक्विड फंड में ये दो फंड हम रिकमेंड करते हैं। एक था फ्रैंकलिन इंडिया, जो कि अभी आप देख सकते हैं फ्रैंकलिन का रिपुटेशन बहुत ही ख़राब हो चुका है, तो हमने उसे बाहर कर दिया। गिल्ड फंड में SBI मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें कर सकते हैं। निप्पोन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें कर सकते हैं। तो ये दो फंड हैं हमारी तरफ से। गिल्ड फंड में भी दो फंड है, किसी एक में आप कर सकते हैं। लिक्विड फंड, इसमें भी दो फंड हमने बताया, किसी एक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब लिक्विड फंड में चाहे तो एक को चूज कर सकते हैं, गिल्ड फंड में चाहे तो एक चूज कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देता है वो है गिल्ड फंड। लिक्विड फंड आपको एवरेज रूप से मतलब 6 से 8% 9% तक, वहीं गिल्ड फंड जो है आपको 6% से लेकर के 15% तक का रिटर्न दे सकता है। कई सारे गिल्ड म्यूचुअल फंड है जो कि अभी 15% तक का रिटर्न दे रहा है एक साल में। तो हम जीरोधा क्वाइन ऐप पर चलते हैं, वहां पर आपको और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेप्ट म्यूचुअल फंड है वो दिखाएंगे, कैसे आप खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने लॉग इन कर लिया है जीरोधा के क्वाइन ऐप पर। मतलब आपको जीरोधा के में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोधा के अकाउंट से ही आप क्वाइन में भी लॉग इन कर लेते हैं। तो अगर आपने जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के ओपन कर सकते हैं, या आप ग्रो ऐप पे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, हम स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम ग्रो ऐप पर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने वीडियो बनाते समय ही ये इन्वेस्ट किया था, देख सकते हैं 10,000 जब हमने वीडियो बना करके आपको दिखाया था उसी में हमने इन्वेस्ट किया था। और ये देख सकते हैं अभी तक हमको 12.56% का रिटर्न मिल चुका है मात्र 2 महीने में। तो समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न देता है। तो यहाँ पर आपको ये सर्च वाले आइकन पर इस पर क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको देख सकते हैं सारे फंड, इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड, नीचे आइएगा तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड, तो ये सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको डेप्ट फंड पर क्लिक करना है। चलिए हम डेप्ट फंड पर क्लिक करते हैं। जैसे डेप्ट फंड पर क्लिक किए तो यहाँ पर लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड देख सकते हैं सारे खुल जाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ओवरनाइट फंड देख सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन जो कि हमने बोला था आपको STP, उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आइएगा तो फ्लोटर, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं गिल्ड फंड, यहाँ पर देखते हैं गिल्ड विथ 10 ईयर्स कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन, उसके बाद यहाँ डायनेमिक बॉन्ड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो बहुत सारे डेप्ट फंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आपको कौन सा फंड खोजना है, तो अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वाला खोजना है तो शॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा। तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं SBI शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड। तो आपको यहाँ से आप कंपेयर कर लेना है किसका रिटर्न ज़्यादा है, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है। जैसे ये आपको देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप देखते हैं 5 ईयर्स का रिटर्न इतना परसेंट है, 8.79%, एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.34% है। तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर एक साल का रिटर्न भी देख सकते हैं 11% का है। तो ये सारा एक्सपेंस रेशियो और ये रिटर्न दोनों
कैलकुलेट करना है और क्रेसिल का रेटिंग भी देख लेना है, क्रेसिल का रेटिंग क्या है। यहाँ पर सेक्टर भी जा करके आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा सेक्टर है, सारा चीज़ यहाँ पर आप डिस्क्लेमर में जा करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं डेप्ट में इतना परसेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इतना परसेंट, यहाँ पर सारा चीज़ आप ट्रेजरी बिल में 2.09%, तो सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, फंड मैनेजर देख सकते हैं कौन सा है। तो इस तरह से जो फंड चाहे आप यहाँ से आ करके चूज कर सकते हैं। डेप्ट फंड में आपको लो ड्यूरेशन वाला फंड या डायनामिक फंड, जो भी फंड आपको सेलेक्ट करना है वो डेप्ट फंड में आकर के यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। गिल्ड फंड सेलेक्ट करना है तो गिल्ड पे क्लिक करेंगे, गिल्ड में देखिएगा यहां पर देखते हैं 10% का रिटर्न, वन ईयर का देख सकते हैं यहाँ पर 15% का रिटर्न। आपको गिल्ड फंड में एवरेज सारे फंड जो टॉप फंड हैं वो आपको 15% एक साल में रिटर्न देते हुए आपको मिल जाएंगे। तो समझ सकते हैं जब हमें यहाँ पर 15% का रिटर्न मिल रहा है तो हम स्टॉक मार्केट में जाके रिस्क क्यों लें। मतलब वैसे इंसान के लिए है, मतलब वैसे व्यक्ति के लिए है जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जाकर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो वो यहाँ से भी रिटर्न कमा सकते हैं। समझ सकते हैं एफडी पे आपको मात्र 5% का रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7% का, और वो भी टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप 3 साल के लिए मतलब 3 साल के इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के बाद यहाँ से आप अपना अमाउंट निकालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, 20% तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब 3 साल के बाद आपको नहीं लगने वाला है टैक्स। तो बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, कितने टाइम के लिए करते हैं टैक्स रिलीफ मिलता है। तो इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाले अलग अलग वीडियो में। तो यहाँ पर आपको हमने बताया डेप्ट फंड में कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, कौन सा फंड है जो आपको 15% तक का रिटर्न दे सकता है। 15% रिटर्न के लिए आपको स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, आपको अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आता रहे, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे हमारा वीडियो।